मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिला पुलिस ने 5 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी हाल के दिनों में हुए गैस एजेंसी लूटकांड और पेट्रोल पंप लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसकी जानकारी शुक्रवार को SSP राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 13 मई को सरैया पेट्रोल पंप पर लूट की घटना हुई थी, इसकी जांच की जा रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगौली मध्य विद्यालय परिसर में इकट्ठा हुए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए SDPO सरैया कुमार चंदन के नेतृत्व में एक टीम गठन करके छापेमारी की गई, जिसमें 5 अपराधियों को लोडेड 4 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। बारह मई को जैतपुर ओपी के अंतर्गत एक गैस एजेंसी थी, जिसमें लूट की घटना कारित की गई थी 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। एवं 13 मई को सरैया थाने के अंतर्गत एक पेट्रोल पंप था, जिसमें 6 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। इन दोनों ही कांडों के उद्भेदन के लिए सरैया SDPO श्री कुमार चंदन के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई थी, जिसमें जैतपुर ओपी अध्यक्ष संजय स्वरूप और सरैया थाना अध्यक्ष जयप्रकाश थे शामिल थे। इसके अलावा DIU की टीम भी इन लोगों को लगातार सपोर्ट कर रही थी। इस टीम को कल एक इनपुट प्राप्त हुआ, मंगौली विद्यालय के पास में कुछ अपराध कर्मी इकट्ठे हुए हैं जो अपराध की योजना बना रहे हैं। टीम को द्वारा रेड की गई, 5 लोगों को वहां से मौके से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 अवैध हथियार और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इनसे पूछताछ की गई, इन सभी अपराध कर्मियों के द्वारा दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। लूटे गए 58,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। घटना में जो बाइक प्रयुक्त की गई थी, जो कि CCTV फुटेज में दिख रही हैं, उन बाइक्स को भी जब्त किया गया है। इन अपराध कर्मियों के चेहरे भी फुटेज से मिलते हैं। इसके अलावा जो कपड़े इनके द्वारा घटना के समय पहने गए थे, उन कपड़ों को भी टीम के द्वारा जब्त किया गया है। इसमें अभी 3 हम लोगों के अपराध कर्मी और अभी वांछित हैं जो फरार चल रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पेट्रोल पंप इसके पहले भी इन लोगों ने लूटपाट वगैरह किया है? नहीं, इन लोगों का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है लूटपाट का, जिसमें पेट्रोल पंप तो नहीं है लेकिन और लूटपाट की घटनाएं हैं, जिसमें इनका मुख्य अभियुक्त विवेक कुमार है, उनका भी आपराधिक इतिहास है। सलमान है, उनका भी आपराधिक इतिहास है। और एक अपराधकर्मी निरंजन है, उसका भी आपराधिक इतिहास है। हाँ, ये बेसिकली 2 गैंग के टोटल 8 लोग हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी 3 लोगों पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अदर जिला में भी ये लोग? अदर जिला में हम लोग अभी सत्यापन करा रहे हैं। हम लोगों के जिले में तो 7-8 केस इनके ऊपर प्राप्त हुए हैं, बाकी वेरीफाई करवा रहे हैं। ये सभी अपराधकर्मी सरैया, करजा और जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत के रहने वाले।